जड़ कारणों से संबंधित प्रमेय हमको लिखना है। इससे संबंधित दो प्रमेय पहले बताया जा चुका है, जिसमें से एक प्रमेय था योग का प्रमेय और दूसरा प्रमेय था लंब अक्ष प्रमेय। पिछली कक्षा में आपको इसके इन दोनों प्रमेय के अतिरिक्त कोणीय त्वरण और बल आवर्धन था। कोणीय त्वरण के संबंध में बताया गया था, इसके अतिरिक्त बल आवर्धन जड़ का भूमि के बारे में जहाँ पिछले बताया गया था। कोणीय त्वरण बराबर होता है संकेत अल्फा, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी अर्थात कोणीय वेग परिवर्तन। कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर है वह है कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहते हैं, यह बताया गया था। और कोणीय त्वरण जो है वह वेगीय त्वरण ए के साथ जो सूत्र होता है वह ए इक्वल टू अल्फा इनटू आर यह सूत्र था। वैसे ही बताया गया था बल आघूर्ण और जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण के संबंध तो बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण इस सूत्र का संबंधित रहता है अर्थात टाउ इक्वल टू आई अल्फा। साथ ही साथ पिछली कक्षा में जड़ आघूर्ण से संबंधित प्रमेय के बारे में बताया गया था, जिनमें से प्रमेय था योग का प्रमेय। इसमें बताया गया था किसी गुणन पक्ष में पड़ता है किसी में आया था योग प्रमेय के तरह बताया गया था कि किसी गुणन अक्ष के पड़ता है किसी निकाय का जड़ का गुण उस अक्ष के पड़ता है निकाय के उस अक्ष के पड़ता है निकाय की मतलब कोई निकाय है उस निकाय का गुणन अक्ष निकाय के सभी कणों के जड़ का आघूर्ण, निकाय के सभी कणों के जड़ का आघूर्ण की योगफल के बराबर यह था योग का प्रमेय। इसमें मान लो निकाय का कुल जड़ का आघूर्ण आई है और उनके सभी कणों का क्रमशः अलग अलग कणों का पहले आई वन आई टू आई थ्री तो इस प्रकार से हो जाएगा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इस प्रकार से सभी कण कुल जड़ का योग। उसके बाद बताया गया था आपको लंब अक्ष का प्रमेय, जैसे यह कोई बीम है समतल पटल है और यह अक्ष जेड ये अक्ष वाई यहां का कोण गणना इसकी दूरी को से आर ये स्थिति तब कि
उसके तल के लंबवत, ये दूसरा हो जाएगा समांतर चतुष्पाद, सॉरी दूसरा पॉइंट है लंब, लंब अक्ष का क्रमेय। लंब अक्ष के क्रमेय में क्या बताया गया था? तो लंब अक्ष के क्रमेय के अनुसार किसी समतल तल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परिकर, किसी समतल तल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परिकर जड़त्व का गुण, उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्ष उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के क्या बताया गया? किसी समतल पटल का, किसी समतल पटल है एक्स वाई जेड प्लेन, उसके तल के लंबवत अक्ष के परिकर जड़त्व का गुण, यहां पे इसका जेड अक्ष के परिकर का गुण, उसी तल में स्थित, अभी इसी तल में दो अक्ष होते हैं एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, दो लंबवत अक्षों के परिकर जड़त्व का गुणों के योग जिनसे होगा सभी कणों जितने कण हैं उनसे उनके जड़त्व अवगुण के योगफल के बराबर होता है।
आई टू आई वन आई टू आई थ्री इस प्रकार से आई टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। दूसरा प्रमेय लंबवत प्रमेय था कि किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परिधि जड़ प्रागुण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परिधि जड़ प्रागुणों के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिनसे होकर लंब अक्ष जड़ता है। जैसे इसके बारे में चर्चा करें, इसका डेरिवेशन क्या है, तो इसको आप ध्यान रखें कि इसके बारे में चर्चा करें, ये एक्स वाई तल में है, ये उसका लंबवत तल जेड है, जेड के तल जेड हम ज्ञात करते हैं, तो आई जेड का मान पता चल जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये जड़ का आपस में संबंध दोनों प्रमेय था। इसको आगे देखते हैं आप हम इसमें समांतर अक्ष प्रमेय। इस प्रमेय के साथ किसी अक्ष के परिधि के एक बिंदु का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परिधि के एक बिंदु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के विषय और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के समांतर अक्ष का प्रमेय। जैसे एक पिंड है
इस बिंदु के द्रव्यमान के बीच से होकर गुजरने वाला एक दूसरा अक्ष है सी डी जो कि ए बी के समांतर है और इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी अर्थात इनके बीच जो दूरी है उसको मान लेते हैं स्मॉल ए, यह दोनों बीच की दूरी है। हमको इस पिंड का जड़ का अवनत ज्ञात करना है, तब इस प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के प्रत्येक एक पिंड का जड़ को अवनत अर्थात इसका जड़ का अवनत आई का मान उसके द्रव्यमान के केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के प्रत्येक जड़ का अवनत, तो इसके द्रव्यमान के इस द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाला जो अक्ष है सीडी, उस सीडी अक्ष के प्रति जो जड़ का अवनत है द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाला जड़ का अवनत अर्थात आई सीएम, द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले समांतर अक्ष के प्रति जड़ का अवनत ये, और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल, माना इस पिंड का द्रव्यमान है m, तो ये हो गया m और दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो है वह दूरी का वर्ग यानी कि a स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही समांतर अक्ष का प्रमेय कि किसी अक्ष पर एक पिंड का जड़त्व का अंश के द्रव्यमान के समांतर रहने वाले समांतर अक्ष पर जड़त्व का अंश और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी द्रव्यमान के साथ में दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, क्या है समांतर अक्ष का प्रमेय। तो यहाँ पर समांतर अक्ष का प्रमेय हम देखे जिसका व्यंजक हमें सूत्र कहें प्रमेय रूप में I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इस व्यंजक इसके लिए व्यंजक देखते हैं कैसे आएगा व्यंजक या इसकी स्थापना। किसी पिंड का AB अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, मान लो AB अक्ष के परतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाली द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाली तथा AB अक्ष के समांतर एक अन्य अक्ष ले लेते हैं हम अक्ष CD। CD एक दूसरा अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है तथा AB के समांतर है। इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी माना A, इसमें ले लेते हैं या इनके बीच की दूरी है। पिंड को असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है, माना उन्हीं में से एक कण है P जिसका द्रव्यमान है m और उस कण P की CD अक्ष से लंबवत दूरी मानते हैं x। यहां पर एक CD अक्ष से दूरी पर ये कण ले लिए P, इस कण P का द्रव्यमान है m। क्या किए कि इस पिंड को मान लिए कि असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ है,
उन्हीं में से एक कण मानते हैं P है, वो उस कण P कैसे है, क्या कंडीशन स्थिति उसकी, तो उस कण P को मानते हैं कि सीधे अक्ष से उस कण P की, उस कण P की जिसका द्रव्यमान जो है m है, उस m द्रव्यमान वाले कण P की जो दूरी है वह है x। तब ये लंबवत दूरी है, तब इस कण की AB अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात अक्ष CD से P की, से कण P की दूरी बराबर मान लिए x, तब अक्ष AB से कण P की दूरी बराबर हो जाएगा a प्लस x, जहां पर a AB अक्ष और CD अक्ष के बीच की दूरी, यहां लिख सकते हैं माना AB अक्ष और CD अक्ष के बीच की दूरी a है। AB अक्ष जो कि AB अक्ष जिसके पड़ता है हमको जड़त्व अवगुण ज्ञात करना है, और दूसरा अक्ष है CD, दोनों अक्षों के बीच की दूरी अर्थात AB अक्ष और CD अक्ष के बीच की दूरी है a। अक्ष CD से कण P की दूरी मान लेते हैं x, जैसा कि भी बताए कि पिंड को असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है, उसमें से एक कण P है, उस कण P की अक्ष CD से जो दूरी है वह है x, तब AB अक्ष से कण की दूरी बराबर हो जाएगी a प्लस x, अर्थात ऐसा यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी a प्लस x। तो हम AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व अवगुण ज्ञात करेंगे। AB अक्ष के परितः, AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व अवगुण, AB अक्ष के परितः कण का, AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व अवगुण बराबर हो जाएगा m इंटू ए प्लस एक्स पूरे की घात दो, ये उस कण का द्रव्यमान और लंबवत दूरी का वर्ग का गुणनफल। इस अतः AB अक्ष के परितः, देखो इस अक्ष AB के परितः कण P का जड़त्व अवगुण ज्ञात किए, तो वह था m इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर केवल कण का। अब उसी AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व अवगुण, पिंड का जड़त्व अवगुण अर्थात कहें कि कुल जड़त्व अवगुण हो जाएगा सिग्मा m इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर। इस व्यंजक को आगे हल कर लें तो i बराबर हो जाएगा सिग्मा m a प्लस एक्स पूरे की घात दो, या इस व्यंजक का विस्तार आगे कर लें m a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
टू ए एक्स, या ऐसा कहें इसका मान पूरा हो जाएगा सिग्मा एम ए स्क्वायर, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम इंटू टू ए एक्स, अर्थात आई का मान बराबर हमको प्राप्त हुआ यहां पर आई इक्वल टू सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम इंटू टू ए एक्स। यहां पर इसको बाहर निकाल लेंगे तो इसमें आ जाएगा इस पद में से ये ए स्क्वायर आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एम प्लस, इसको ले लेते हैं सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एम एक्स, टू ए को यहां पे बाहर लिए। क्या क्या किया ध्यान देंगे यहां पर कि इस यहां से ए स्क्वायर बाहर लिए, इसमें से यथावत रहेगा ये सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, और यहां पर सिग्मा एम टू ए एक्स, इसमें से टू ए को बाहर लिए, तो हमको व्यंजक मिला ए स्क्वायर सिग्मा एम प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस टू ए इंटू सिग्मा एम एक्स। सी डी एक्स के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण, इस सी डी अक्ष के परतः कण पी का जड़त्व आघूर्ण, तो अक्ष सी डी के परितः पी का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी और इस कण का द्रव्यमान, अर्थात एम एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स स्क्वायर। इसलिए सी डी एक्स के परतः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण, सी डी के परतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। और सी डी एक्स क्या है, द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाने वाला अक्ष, अर्थात ये जड़त्व आघूर्ण जो हुआ वह द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो इसको लिख लेंगे आई सी एम इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर ऐसा। तथा कुल द्रव्यमान समस्त कणों का द्रव्यमान सिग्मा एम, तो सिग्मा एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम, अर्थात पिंड का द्रव्यमान अब यहां पर यह पद सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम एक्स अक्ष सी डी के परतः पिंड के समस्त आघूर्णों का योग है। क्या बोले, सिग्मा एम एक्स जो है वह सी डी के परतः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग है। सी डी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, परंतु पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव संतुलन की अवस्था में रहता है। इसके परतः वस्तु के समस्त कणों के आघूर्णों का योग शून्य होता है, अर्थात यहां पर ये जो सिग्मा एम एक्स है इसका मान शून्य होगा। तो सिग्मा एम एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम समीकरण एक लेते हैं, समीकरण एक, तब समीकरण एक से, ये समीकरण एक से क्या, यह पद
ए स्क्वायर सिग्मा एम, इस सिग्मा एम का मान, ये देखो सिग्मा एम का मान है कैपिटल एम, पिंड का पूरा द्रव्यमान। सिग्मा एम मतलब उस पिंड के समस्त कणों का द्रव्यमान, जिसको कि कुल द्रव्यमान के रूप में लिखा जा सकता है। एम एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है सी डी एच से कण पी की दूरी, तो दूरी और द्रव्यमान, दूरी का वर्ग द्रव्यमान गुणा, यानी कि यह हो गया द्रव्यमान केंद्र के प्रतः जड़त्व आघूर्ण। और एम एक्स जो है यह तो सिग्मा एम एक्स, ये सिग्मा एम एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पर ये वाला पद में सिर्फ एम एक्स है, तो इसका मान क्या है, इसका मान शून्य है, अर्थात सी डी एक्स के परतः वस्तु के समस्त कणों के अघूर्णों का योग ये है। कहां पर, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष में, तो ये एम एक्स बराबर शून्य है। तो इन सब समीकरणों से हम समीकरण एक को देखें तो आई बराबर प्राप्त होगा ए स्क्वायर, सिग्मा एम का मान रख लें तो कैपिटल एम, और इसका मान रखें तो आई सी एम, और ये पद हो जाएगा प्लस जीरो, या आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। यहां पर क्या क्या है, तो यहां पर आई जो है कुल जड़त्व आघूर्ण का मान, आई सी एम मतलब द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाले अक्ष के परितः, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष परितः जड़त्व आघूर्ण, एम क्या है पिंड का द्रव्यमान, और ए क्या है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो इस प्रमेय के अनुसार जो हमको ये सूत्र मिला, तो आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। यह था समांतर अक्ष का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या बताया गया कि हमको किसी पिंड का किसी अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो उस अक्ष के परतः जो जड़त्व आघूर्ण है वह जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाली अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण, तथा उस पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इस कंडीशन में ज्ञात करने के लिए हमने एक पिंड लिया, उस पिंड में माना कि एक अक्ष ए बी है, उस ए बी अक्ष से स्मॉल ए दूरी पर दूसरा अक्ष है सी डी, जो कि सी डी अक्ष जो है पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाता है। सी डी अक्ष से एक्स दूरी पर एक कण लिए पी, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम, तब उस कण की दूरी ए बी एच से हो जाती है ए प्लस एक्स। तो ए बी अक्ष की परतः कण का जड़त्व आघूर्ण बराबर एम इंटू ए प्लस एक्स पूरे घात दो, उस कण का जड़त्व आघूर्ण है ये ए बी अक्ष की परतः। इसी प्रकार समस्त अर्थात ए बी अक्ष की परतः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ये हो गया सिग्मा एम ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। उस व्यंजक को सॉल्व कर लिया और तो आई इक्वल टू सिग्मा एम ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, सिग्मा एम इस व्यंजक का प्रसार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, जैसे जो जनरल फॉर्मेट है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी रूप में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, इसका अंदर गुणा किए तो सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम 2 into 2ax। यहां पर सूत्र फिर इस रूप में आता है आई इक्वल टू उस समीकरण को और आगे निकाले एक उभय बाहर निकाल लिए ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू सिग्मा एम एक्स। इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं कि सी डी एक्स के परतः यदि जड़त्व आघूर्ण देखें हम कण पी का, सी डी एक्स के परतः जड़त्व आघूर्ण देखें कण पी का, सी डी एक्स के परतः जड़त्व आघूर्ण तो वो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। तो सी डी एक्स के परतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, सी डी एक्स के परतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा आई सी एम बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, तथा सिग्मा एम बराबर पिंड का द्रव्यमान, साथ ही साथ सिग्मा एम एक्स का मान, अर्थात सिग्मा एम एक्स मतलब अक्ष सी डी के परतः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग का मान। यह द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है और पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव संतुलन पर रहता है, इसलिए इसका मान बराबर शून्य। ये तीन स्थितियों को इस समीकरण नंबर एक में, इस समीकरण नंबर एक में रखे तो I इक्वल टू ए स्क्वायर एम प्लस आई सी एम प्लस जीरो, या I इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। I इक्वल टू
ICM प्लस MA स्क्वायर, यही है समांतर अक्ष का प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।